टीवी देखा हूँ मैं भी चेक। वेलकम क्रिप्टो यूजर्स, एक नए शानदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में फ्लोकी इनो के ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली फ्लोकी इनो में जिस टाइप से एक रैली आई थी, 500, 600, 700% तक रैली निकल गई थी, उसके बाद डाउनफॉल यहां पर जम के देखने को मिल रहा है। आखिर सर्वकालीन उच्चतम स्तर के बाद ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर शिबा इनू डाउन हो गया है, फ्लोकी इनू सॉरी डाउन हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट मूव फ्लोकी इनू में क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। एक डायरेक्शन क्लियर होगा कि बेसिकली फ्लोकी इनू में चल क्या रहा है। क्या ये जो रैली आई है 600% की एक महीने में, ये शॉर्ट टर्म रैली है, इसके बाद मार्केट डाउन जाएगा, और क्या अब ये जो बुल रन और जो रैली की हम बात कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। बहुत सारे मन में सवाल आपके होंगे, इस वीडियो में आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड तक वीडियो वॉच करना, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बगैर नहीं जाएंगे, और अपना ओपिनियन फ्लोकी के बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिखना। देखिए सबसे पहले तो ये एक मन में सवाल चल रहा है कि फ्लोकी इनू में बेसिकली चल क्या रहा है। तो यहाँ पर ये डाउन हुआ है फ्लोकी इनू, उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जो अत्यधिक भावना प्रेरित है उसके कारण से जिस टाइप से बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की अन्य जो कॉइन है वो तेज़ी से नीचे की तरफ गिरे हैं, उस कारण से यहाँ पर मार्केट में एक गिरावट का अनुभव हुआ है। जहाँ पर बिटकॉइन 73,000 डॉलर तक पहुँचा था और उसके बाद नीचे की तरफ करेक्शन लेके 68,000 डॉलर तक बिटकॉइन आ गया है। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो 75,000 डॉलर का बिटकॉइन का एक रजिस्टेंस बन रहा था वहाँ पर, मैंने बार बार अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 65,000 डॉलर तक बिटकॉइन जाएगा, उसके बाद एक नीचे डाउनफॉल आ सकता है, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस बन रहा था बिटकॉइन का हाईएस्ट पॉइंट के बाद। और उसके बाद 12 से 18 महीने में बिटकॉइन 1.5 लाख डॉलर तक जाएगा, तो एक करेक्शन लेगा मार्केट, और वही हुआ है। इस कारण से बिटकॉइन के गिरने के कारण से जो भावना हुई है इन्वेस्टरों के बीच में, जो एक सिक्योरिटी और एक चिंता हम कह सकते हैं उसकी जो भावना पैदा हुई है, उससे फ्लोकी इनू जैसे कॉइन यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर इस लालच में है कि कहीं फ्लोकी इनू जो 600-800% बड़ा है, कहीं ये रैली ख़त्म नहीं हो जाए, मतलब ये जो प्रॉफिट है ये बुक कर ले, कहीं मार्केट नीचे की तरफ ना चले जाए तो हमारा प्रॉफिट और कम हो जाएगा। तो इस भावना के चक्कर में लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। क्यों गिरा? अब सवाल आता है कि प्रॉफिट बुक कर ले, क्या फ्लोकी से एग्जिट ले ले और होल्ड नहीं रखे? एक बड़ा सवाल है। और कुछ लोग ऐसे भी है जो एंट्री लेना चाहते हैं, तो फ्लोकी में क्या सही एंट्री है, राइट टाइम है क्या ये? देखिए सबसे पहले तो राइट टाइम की बात करो तो फ्लोकी में ये राइट टाइम है। हालांकि अभी एक दो पॉइंट और मार्केट गिर सकता है, 3 जीरो के साथ मार्केट 20 तक आ सकता है यहाँ पर। ये जो इसका सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल तक मार्केट यहाँ पर आ सकता है, और ये पॉइंट 21 के आसपास बन रहा है, तो एक दो दिन और करेक्शन मार्केट दिखाएगा, उसके बाद मार्केट यहां से पंप कर सकता है। तो पहली, दूसरी बात कहा जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि मार्च का लास्ट वीक एंडिंग में मार्केट एक बड़े पंप के साथ आगे बढ़ सकता है, फ्लोकी भी बढ़ेगा उसमें। तो बिटकॉइन यहां पर 75,000 डॉलर को पार कर सकता है लास्ट वीक में मार्च के, तो उसको देखते हुए भी यहां पर फ्लोकी पंप करेगा। तो अभी तक मार्केट करेक्शन यहां पर ले रहा है। अगर एक बड़ी न्यूज निकलकर मार्केट में आ रही है जिसमें बताया गया है कि फ्लोकी इनू उच्चतम स्तर के बाद आगे की क्या राह बन रही है, तो यहां पर बताया गया है कि फ्लोकी इनू बेसिकली जिस टाइप से गिरा है उसके बाद ऑन चेन डेटा विश्लेषक से पता चला है कि उतार चढ़ाव रैली को यहां पर प्रेरित कर रहा है। और यहाँ पर यह भी गौर किया जाने वाली बात है कि 24 घंटे में मार्केट में जिस टाइप से मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है वो इस बताता है कि इस कहीं ना कहीं फ्लोकी इनू के साथ यही चीज़ हो रही है। अगर यहाँ पर गौर करेंगे तो इस लास्ट वीक में फ्लोकी इनू इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क पर होल्ड किया गया एक मीम टोकन के कारण जो 24 की पहली 6 माही में यहाँ पर जो पंप आया है उसमें अधिकांश मीम कॉइन की तरह फ्लोकी रैली सोशल मीडिया कथाओं और अपने वैश्विक प्रदर्शन आधार पर यहाँ पर जो है पंप दिखाती है। और यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया की जो कथाएँ हैं, सोशल मीडिया पर जो फ्लोकी के बारे में बातें हो रही थी उस कारण से यहाँ पर पंप हुआ है ये कहा जा रहा है। ऑन चेन डेटा रुझान ये भी बताता है कि मीडिया ट्रैक्शन में पिछले सप्ताह के दौरान गिरावट यहाँ पर आई है, यानी कि जो लोग मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से फ्लोकी के ऊपर नज़र रख रहे थे उसमें भी गिरावट आ गई है, वो लोग भी कम ध्यान दे रहे हैं। अभी हमारे वीडियो में फ्लोकी के ऊपर जब पंप कर रहा था तो हर अपडेट्स पर अच्छा खासे व्यू आ रहे थे, अब डाउन हो गए क्योंकि सोशल मीडिया के
जो मीडिया के माध्यम से फ्लोकी पर नज़र रख रहे थे, जब मार्केट डाउन हुआ तो ये भी कहीं ना कहीं एक निराश यहाँ पर हो गए मार्केट में। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसमें बताया गया है कि जो सोशल मीडिया के डोमिनेशन के कारण दैनिक ट्रैकिंग जो फ्लोकी दिखा रही थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अब ये करेक्शन थोड़ा सा है, कुछ शॉर्ट टर्म करेक्शन है, फ्लोकी यहाँ पर पंप करेगा ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि एक बड़े पंप के साथ यहाँ से फ्लोकी कमबैक कर सकता है। पिछले सप्ताह जो रैली दिखाई है उसकी एक रैली यहाँ पर फिर से फ्लोकी में आपको देखने को मिलेगी। इसी टाइप के एक्सपर्ट यहाँ पर कह रहे हैं, यानी कि जो गिरावट है ये थोड़ी गिरावट है, इसके बाद एक बड़ा कमबैक यहाँ से मार्केट कर सकता है। और इसके आसार बना रहे हैं कि भविष्य में आगे 0.20 तक मार्केट यहाँ पर पंप कर सकता है, और एक बड़े रुझान के साथ प्रतिद्वंद्वी तक मार्केट 20 सेंट तक पंप करा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो मीम टोकन 24 में जिस तेजी से बढ़े हैं उसको देखते हुए फ्लोकी भी यहाँ पर बड़े पंप जाएगा, और मीम टोकन 21 की तरह अगर बुल रैल में दिखाते हैं तो फ्लोकी में हर व्यक्ति जो मीम टोकन में इन्वेस्ट कर रहा है ना वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, और इस वजह से यहाँ पर आप देखोगे तो फ्लोकी में जमकर पैसा बरसेगा। और यही फ्लोकिनो की जो कम्युनिटी है ना वो होप जगाए हुए है और बेल चार्ट को फिर से वो पलट सकते हैं, और कहीं ना कहीं कम कीमतों पर जो इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रहे हैं वो इन्वेस्टरों को बड़ा मौका दे सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि फ्लोकी बेलों को अपने प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने के लिए मार्केट एक बड़े कमबैक के साथ आगे जा सकता है। वैसे भी बिटकॉइन यहाँ से $1.5 लाख तक का प्राइस प्रेडिक्शन बता रहा है, और जैसे ही बिटकॉइन यहाँ पर पंप होता है तो फ्लोकी जैसे टोकन में फिर से एक रैली आएगी। फ्लोकी अकेला ऐसा टोकन नहीं है जो गिरावट दर्ज करा रहा है, मीम टोकन सभी, चाहे डोज हो, शिबा हो, पेप हो, बोंक हो, सब टोकन गिर रहे हैं। शिबा खुद यार 17-18% तक डाउन हो गया है, तो ये भी बताता है कि किस टाइप से मार्केट, कल शिबा का 10% गिर गया था, तो बिटकॉइन फ्लोकी भी यहाँ पर गिरा है। तो ये शॉर्ट टर्म रैली है, बिटकॉइन के कारण रैली गई है। इधर इथेरियम का ETF आएगा 2 मई के आसपास, अप्रूवल की तारीख है, तो उसके बाद भी मार्केट पंप करेगा क्योंकि वो $10,000 तक जाने की चांस रखेगा इथेरियम। तो ऐसे भी फ्लोकी जैसे टोकन को आगे मार्केट में बड़ी रैली का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, हालविंग के बाद 34 दिन बचे हैं, तो हालविंग के बाद भी बिटकॉइन में बड़ा पंप आएगा क्योंकि सप्लाई आधी होने से डिमांड क्रिएट होगी, वो भी एक फ्लोकी को बड़ा पंप देगा। क्योंकि आप देखोगे 21 की तरह 24 में भी मीम टोकन एक करोड़पति बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। कारण इसका सिंपल है कि एक तो इसकी रुचि क्यों पैदा हो रही है, पहला रीज़न कि कम पैसे में ज़्यादा टोकन मिल जाते हैं मीम टोकन के, चाहे फ्लोकी के हो। दूसरा, पंप भी ज़्यादा करते हैं, यानी कि रिटर्न भी ज़्यादा परसेंटेज में देते हैं। तो ये दो वजह रहेगी जिसमें मीम टोकन, फ्लोकी जैसे टोकन बड़े पंप मारेंगे, और यही वजह है कि इसमें हम बड़े जो है पैसा कमा सकते हैं। तो वेट करिए, नेक्स्ट मूव अच्छा रहेगा। लास्ट वीक मार्च की भी एक बड़े पंप के साथ आगे मार्केट बढ़ेगा। चैनल के साथ जुड़ जाइए, और आप क्या सोचते हैं शिबा इनू के बारे में, फ्लोकी के बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिखना। साथ ही चैनल के साथ जुड़ेंगे तो हर अपडेट से आपको रूबरू होना मिलती रहेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्कार।